Hello students, good morning. Today I am going to continue this chapter, which is India, the Peninsular Plate. Okay, so students, open your book, page number 31. Look carefully in your book and listen to carefully. In the previous video, you read about Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha. Today, I am going to tell about Maharashtra. Okay? So, students, listen to carefully. Okay? Let's start about Maharashtra. Maharashtra. Okay? आज आपको महाराष्ट्र के बारे में पढ़ना है. ये देखिए महाराष्ट्र का जनता एलोरा कैप्स का फिगर बनाया हुआ है. ओके, आगे बढ़ते हैं. महाराष्ट्र इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट आफ्टर उत्तर प्रदेश. आप जानते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से यानी जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो होता है वो हमारा फर्स्ट स्टेट होता है. ओके, भारत का फर्स्ट स्टेट जो है उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन दूसरा स्थान हमारा महाराष्ट्र रखता है. ओके, तो आप याद रखिएगा कि पॉपुलेशन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद सेकेंड स्थान हमारा महाराष्ट्र रखता है. ओके, क्लियर. द अरेबियन सी इनटू द वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र. अब यहाँ पे बता रहा है कि अरेबियन सी जो है आपका महाराष्ट्र के वेस्ट में है. आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के वेस्ट में जो है हमारा अरेबियन सी. रिवर गोदावरी एंड कृष्णा फ्लोइंग दिस स्टेट. इस स्टेट में गोदावरी नदी और कृष्णा नदी दोनों जो है बहती हैं. महाराष्ट्र इज द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया. महाराष्ट्र जो है इंडिया का, भारत का सबसे धनी स्टेट. क्लियर. मुंबई द कैपिटल सिटी ऑफ द स्टेट इज इंडिया लार्जेस्ट सिटी एंड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द नेशन. मुंबई जो है महाराष्ट्र कैपिटल, महाराष्ट्र का कैपिटल है. ठीक है, इस स्टेट का कैपिटल कहाँ है? मुंबई है महाराष्ट्र का. ओके, और भारत का, इसके अलावा बता रहा है भारत का लार्जेस्ट सिटी और फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द नेशन. राष्ट्र का जो है फाइनेंशियल कैपिटल भी है. कौन सा? तो मुंबई. याद रखिएगा मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी तो है, इसके अलावा यह नेशन का जो है फाइनेंशियल कैपिटल. ओके, क्लियर. पुणे, नासिक, औरंगाबाद, थाने, कोल्हापुर एंड सोलापुर आर अदर इम्पॉर्टेंट सिटी. यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है इस स्टेट के, महाराष्ट्र के. सम पॉपुलर हिल स्टेशन इन महाराष्ट्र आर लोनावाला. कुछ हिल स्टेशन भी महाराष्ट्र में है. ठीक है, उसके बारे में बताया है. खंडाला हो गया, पंचगनी हो गया, ये जो है आपके महाराष्ट्र के हिल स्टेशन. ओके, क्लियर. पुणे है द नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसको NDA कहा जाता है. पुणे जो आपका है वह नेशनल डिफेंस एकेडमी है, जिसको हम NDA भी कहते हैं, है ना. तो यह जो है पुणे में, याद रखिएगा इसको कि NDA जो है हमारा पुणे में है. नागपुर इज कॉल्ड द ऑरेंज सिटी. नागपुर को हम क्या कहते हैं? ऑरेंज सिटी. द अजंता कैप्स एंड एलोरा कैप्स आर इन औरंगाबाद. औरंगाबाद में आपको अजंता कैप्स और एलोरा कैप्स है. गेट अवे ऑफ इंडिया इन मुंबई इज ए हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स. ऐतिहासिक स्मारक है आपका गेटवे ऑफ इंडिया. यहाँ पर देखिए फिगर आपका बनाया हुआ है आपके बुक में, गेट अवे ऑफ इंडिया का, या एक
हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। क्लियर। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर द टू मेन ऑक्यूपेशन। यहाँ का मेन दो ऑक्यूपेशंस है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर खेती भी की जाती है, इंडस्ट्री बहुत बड़े बड़े आपको यहाँ पे उद्योग है। ओके। द मेन क्रॉप्स आर वेट, राइस, ज्वार, बजरा, पल्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन, शुगर कैन, टर्मेरिक एंड तबाक। ठीक है, यहाँ का मेन बता रहा है क्रॉप्स, फसल हो गया आपका वेट, राइस, ज्वार, बजरा, पल्स, ग्राउंड नट्स, कॉटन और तंबाकू, यानी तंबाकू। ओके, तो यह यहाँ का मेन आपका फसल है। क्लियर। मेजर इंडस्ट्री इंक्लूड केमिकल्स, इसमें बहुत सारे इंडस्ट्री जो है, जिसमें आपका केमिकल्स का मशीनरी, टेक्सटाइल है, पेट्रोलियम ईटीसी, तो यह जो है आपका यहाँ का इंडस्ट्रीज है। ओके, क्लियर। मुंबई इज ऑल्सो द हाउस फॉर द हिंदी फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री पॉपुलरली कॉल्ड बॉलीवुड। मुंबई बॉलीवुड का घर माना जाता है, घर है ना, यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड रहते हैं, और यह जो है एक इंडस्ट्री है, फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री, फिल्म जहाँ पे फिल्म बनता है, इसका यह एक क्या है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री भी है। ठीक है, जिसको हम बॉलीवुड भी कहते हैं। ओके, क्लियर। द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाई द पीपुल इज मराठी। यहाँ का मेन लैंग्वेज लोग बोलते हैं मराठी हो गया, कोंकणी हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन हेयर, यहाँ पे बोली जाती है। ओके, यहाँ की जो लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज ऐसे महाराष्ट्र का मराठी है ना, इसके अलावा आपका कोंकणी, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश। तमाशा एंड लावनी फोल्क डांस आर पॉपुलर। यहाँ का फोल्क डांस आपका तमाशा और लावनी। ओके, क्लियर। आगे आपका, इसके बाद हमारा स्टेट आता है कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में आप पढ़ेंगे। ओके, आप यहाँ देखिए, इट इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र के आपके साउथ में स्थित है। बेंगलुरु इज द कैपिटल सिटी, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज इन द स्टेट आर, और भी इम्पॉर्टेंट सिटी है आपके कर्नाटक में बेंगलुरु के अलावा, मैसूर, हुबली, बीजापुर, धारवाड़ एंड बेलगाम, ये सारे इम्पॉर्टेंट आपके सिटीज हैं कर्नाटक के। द मेन रिवर्स फ्लोइंग थ्रू कर्नाटका आर, मेन रिवर्स कर्नाटक का कृष्णा और कावेरी है, याद रखेंगे आप। मोस्ट ऑफ द पीपुल आर फार्मर्स, यहाँ के मोस्ट पीपुल बता रहा है किसान है, एंड ग्रो उगाते हैं रागी, ज्वार, कॉटन, शुगर कैन, कॉफ़ी, नट्स एंड स्पाइस, ये सारे स्पाइसेस मसाले यहाँ पे उगाते हैं। द फॉरेस्ट आर रिच इन टीक एंड सैंडल वुड, यहाँ के जो आपके फॉरेस्ट हैं वह रिच है, टीक सागौन के पेड़ को कहते हैं, सैंडल वुड आपको चंदन के पेड़ को कहते हैं, तो इन सारे में फॉरेस्ट, यहाँ के कर्नाटक के जो फॉरेस्ट हैं वे बहुत ही घनी हैं। कर्नाटक इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क इन इंडिया। कर्नाटक जो है आपका भारत का सबसे लार्जेस्ट निर्माता है सिल्क का। द स्टेट इज नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट मेड ऑफ सैंडल वुड। ओके, यह स्टेट जाना जाता है हाथ से बनाई हुई चीज़ में, है ना, जो खास कर आपका सैंडल वुड से बनाया जाता है। द कूलर कोल्ड माइंस एंड कुद्रेमुख आयरन ओर माइंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट। यहाँ का कूलर कोल्ड माइंस और बता रहा है कि कुद्रेमुख जो आयरन ओर है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव डेवलप्ड इन द स्टेट, इस स्टेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंडस्ट्री जो है डेवलप है। सम ऑफ देम आर बता रहा है, एयरक्राफ्ट हो गया, टेलीफोन हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, गुड्स एंड टेक्सटाइल, है ना, इन सारे
इंडस्ट्री जो है यहाँ पर ये सारे इंडस्ट्री डेवलप हैं। बेंगलुरु इज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ आईटी इंडस्ट्री, ठीक है। बेंगलुरु जो है आईटी उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। मोस्ट ऑफ द पीपुल स्पीक कनाडा, यहाँ के लोग बोलते हैं कनाडा कन्नड़ जिसको कहते हैं हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसके अलावा इनका लैंग्वेज जो है हिंदी और इंग्लिश है। मेन लाइक टू वेयर लुंगी एंड शॉर्ट, मेन जो है यहाँ के लुंगी और शॉर्ट पहनते हैं, वाइल जबकि ओमेन वेयर सिल्क साड़ी, ओमेन यहाँ की सिल्क साड़ी पहनती हैं। दशहरा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, दशहरा जो है मैसूर का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। देयर आर मेनी टेम्पल्स एंड मोनूमेंट्स इन द स्टेट, इस स्टेट में जो है बहुत सारे टेम्पल्स और मोनूमेंट्स भी हैं विच अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको देखने के लिए पूरे संसार से टूरिस्ट लोग आते हैं। सम ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द स्टेट आर जॉग फॉल्स, कुछ टूरिस्ट यहाँ के जॉग फॉल्स जिसको वाटरफॉल कहते हैं सबसे बड़ा जो है आपका, तो उसको देखने के लिए टूरिस्ट लोग आते हैं, है ना। वृंदावन गार्डन्स नियर मैसूर, मैसूर के नज़दीक में आपका वृंदावन गार्डन है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा इन श्रवण बेलगोला, नंदीबुल टेम्पल, हम्पी टेम्पल्स इट इज, यहाँ पर बता रहा है कि स्टैचू है आपका गोमतेश्वरा का, यहाँ पे आप फिगर देखिए, है ना, हम्पी टेम्पल्स है, वृंदावन गार्डन्स है जो कि आपका कर्नाटक में है। आगे के वीडियो में हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे।